तो वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइस। सो क्या कहते हैं, इस वीडियो में हम जहाँ रहते हैं वहाँ का टूर कराएंगे आपको। अभी क्या है कि अभी मौसम हो रहा है ठीक ठाक, मतलब बढ़िया हो रहा है, फ्लाइंग के परस्पेक्टिव से तो ख़राब है। और चलो विदाउट एनी फर्दर रेडियो हम वीडियो को शुरू करते हैं, आ जाओ। तो जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे घास वास लगा रखी है इन्होंने, बढ़िया से नज़ारा देखने मिल जाता है। यहाँ हमारे पौधे हो रखे हैं, यहाँ हमने शकरकंदी उगा रखी है जिसका कोई अता पता नहीं है, और एक और चीज़ उगाई थी हमने, क्या एप्पल उगाया था, उसका भी अता पता नहीं है, ठीक है। और ये हमें सो की मतलब जहाँ रहते हैं उसकी तरफ से मिलता है, कपड़े सुखाने का है एरिया पूरा। एंट्री वहाँ से होती है, वहाँ पर एक डोर है, पर हम एंट्री यहाँ से करते हैं क्योंकि हम अलग है दुनिया से, और हम अंदर आ जाते हैं। अभी अंदर में जैसे मोस्ट ऑफ द जो रूम टूर जितने भी कमरे हैं यहाँ पे, सोफे देंगे तुम्हें और टेबल भी देंगे। हमारा जो यूनिट 8 है जहाँ पे मैं रहता हूँ वो थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग है, जो डाइनर एरिया है वो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि टेबल इसकी बहुत बड़ी है और सोफे भी काफ़ी फैला हुआ है। पर सोफे हर फ्लैट में मिलते हैं, और हमारे सोफे थोड़े से ख़राब से हैं और फ्लैटों में काफ़ी अच्छे हैं। ऐसी टेबल छोटी छोटी हैं और फ्लैटों में, पर हमारे पास बड़ी सी है एक। और ये डाइनिंग टेबल की तो बात ही अलग है, ये तो सबसे बड़ी हमारे पास ही है। हर फ्लैट अपने लिए अलग है, हर फ्लैट यूनिक है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। हमारा ओवरऑल बड़ा फ्लैट है काफ़ी, इसमें दो सिंगल रूम है और एक शेयरिंग रूम है, दो वॉशरूम है। हॉस्टल लाइफ देखी होगी इंडिया में, वहाँ पे हर चीज़ पहले से मिलती है, मेस वेस एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें फ्रिज मिलेगा जिसमें हम स्टोर करेंगे अपनी जो भी बनाएंगे ताकि चीज़ ख़राब ना हो। कैबिनेट्स मिलेंगे जिसमें हर चीज़ रख सकते हो तुम, मसाले वसाले जो भी चीज़ लाए। गैस मिलेगी जो सोहो में क्या कहते हैं, गैस सिलेंडर से चलती है। बाकी जो और जगह है वहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं उसे, इंडक्शन। तो इंडक्शन के फायदे बहुत ख़राब हैं इधर, क्योंकि यहाँ लाइट चली जाती है तो तुम खाना नहीं बना सकते। गैस होने के फायदे यही हैं, इसलिए हम हमेशा लाइटर रखते हैं हमारे पास, क्योंकि ये गैस ऑटोमेटिक चल जाती है ऐसे, इसलिए लाइटर होना चाहिए बिल्कुल। तो एक वॉशिंग मशीन दे दी है, ड्रायर दे दिया है, एक माइक्रोवेव दे दिया, और हाँ सबसे बेस्ट पार्ट ओवन मिलता है हमको हर फ्लैट में ही, माइक्रोवेव ओवन वॉशिंग मशीन डिशवॉशर, मतलब डिशवॉशर कह रहा हूँ ड्रायर, वही दिखाओ ना। ये स्लो है कैमरा बहुत। ये वॉशिंग मशीन है, ये ड्रायर है, और ये अपना सिंक एरिया। अब क्या है कि ये तो लिविंग हो गया, ये लाइटें क्या ही बताऊं मैं। शेयरिंग रूम की बारी। अब शेयरिंग रूम कैसा है कि हर फ्लैट का डिपेंड करता है। यहाँ पे दो बेड्स हैं, ये काफ़ी बड़ा रूम है वैसे तो, मतलब एक इधर रह लेगा जो भी आएगा नया, और वो इधर रह लेगा दोनों के लिए। आवाज आई, दोनों के लिए क्या कहते हैं टेबल्स दे रखी हैं, एक ये टेबल रह गई, एक वो टेबल हो गई। वैसे टेबल्स क्या ही करना है, पूरा तो कबाड़ रखा रहता है इन पे ही। और अलवीराज दे रखी हैं, अलवीरा क्या कहते हैं काफ़ी सारी होती हैं शेयरिंग रूम्स में, हाँ। और दो चेयर होती हैं, एक ये चेयर एक वो चेयर, और ये स्टैंड मिलता है हमें जिसपे हम कपड़े वपड़े प्रेस करते हैं, और आयरन शायद मिलती है, आयरन भी मिलती है। तो वैसे अकोमोडेशन ठीक है, बढ़िया है एकदम, क्योंकि आयरन स्टैंड मतलब कपड़े प्रेस करने की भी टेंशन नहीं है, स्टैंड भी दे रखा है और टेबल वेबल दे रखी हैं। और हाँ, यहाँ की जो लाइट्स हैं काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि पिछले साल से प्रियांशु भाई बता रहे थे कि ये लाइट्स ख़राब हो ही नहीं है, तो दिस इज़ वेरी गुड। कहते हैं वॉशरूम काफ़ी बड़ा है शेयरिंग में, क्या कहते हैं ये दो सिंक मिलते हैं, क्योंकि दो बंदे हो तुम, ये तुम्हारा भाई है, क्योंकि दो बंदे हो तो तुम दो सिंक मिलते हैं, और बाथटब हमेशा बाथटब रहता है इधर, और टॉयलेट क्या कहते हैं, और इधर शावर है, मोस्टली यही यूज़ होता है, क्योंकि बाथटब में पानी भरो, पानी भरने के बाद नहाओ, कौन करेगा, आधा घंटा तो इसमें लग जाएगा, और हमें जल्दी चाहिए ये चीज़ें, तो इसलिए शावर दे रखा है छोटा सा एरिया जो वो ऊपर है। ये सिंगल रूम है, ये अंश का रूम है,
तो इसमें भैया एक टेबल दे दी जाएगी, एक बेड दे दी जाएगा और कबर्ड्स दे दिए जाएंगे। ये पंखा हमने दे रखा है अंश को किराए पे, भाई हमारे थोड़े से गरीब है। और हम क्या कहते हैं, चेयर ला रखी है और रूम के साथ कीज मिलती है जैसे ही तुम आ जाओगे इधर। और कुछ है नहीं, शेयरिंग रूम का मैंने तुम्हें पूरा बता दिया कैसा है। और वॉशरूम दिखा देते हैं, वॉशरूम में आ जाओ। अरे कहाँ जा रहा भाई? अरे भैया ये रूम का टूर होएगा या लाला सो रहा है इधर? तो ये वॉशरूम है, वॉशरूम की खास बात क्या है? कोई खास बात नहीं है। इधर ये सिंक, सिंक है नॉर्मल, ये शावर एरिया है इधर। और फिर उसके बाद ये तुम्हारा जो भी काम करने की चीजें हैं। क्या कर रहा है, जूम मत कर। और हमने भैया अपना देसी जुगाड़ कर रखा है क्योंकि हमें ये चीजें पसंद आती नहीं। टू थिंग्स आर अलाइक, दिस एंड दिस। इसे ये चीजें पसंद आती नहीं, मैं तुमने अपना जुगाड़ कर रखा है, तुम अगर आओगे तुम भी कर लेना, तुम्हारा ही मत। और ये हमारी एंट्री यूनिट गेट की। बाई चांस अगर हम सामान लाते हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ से घुसते हैं हम रादर देन वहाँ से, क्योंकि वहाँ से हमें छलांग मारनी पड़ जाती है। बस यहाँ पे जो एरिया है इसके आगे तो घर सा दिख रहा है, मतलब घर तो नहीं है, एक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है। वो सिमेट्री जहाँ पे मुर्दे गाड़े जाते हैं उसके पीछे रहते हैं हम। हाउ नाइस। रात को कभी कभी घुंघरू की आवाज़ आ जाती है, पे कोल्ड फ्रंट आ रहा है धीरे धीरे। और बस यही था यूनिट गेट जहाँ पे हम रह रहे हैं। हर फ्लैट यूनिक है, हर फ्लैट में अलग अलग चीज़ें हैं और कुछ में लिविंग एरिया कम है, रूम्स थोड़े बड़े हैं। हमारे में लिविंग एरिया भी बड़ा है, रूम्स भी बड़े हैं, तो हम तो देखो हैं ही अलग सिंपल। और क्या कहते हैं, जो डाइनिंग टेबल है वो सिर्फ इधर ही है बड़ी सी, और कहीं है नहीं जहाँ तक मैंने और रूम्स देखे हैं। बट हाँ, और रूम्स में क्या सोफ़े बढ़िया मिलेंगे, और हमारे थोड़े सोफे से अजीब से, पर हम चलाओ ठीक है।